हेतुवादी संगठन के तरफ से ये सूर्यपराग के टाइम पे जो खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे हमारे धार्मिक विधान विधि विधान में है, वो नहीं मान के उन्होंने चिकन बिरयानी वगैरह खाए और बोले कि ये सब ठीक नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसा कहीं और पे लिखा शास्त्रों में नहीं तो है, ऐसा कुछ शास्त्र नहीं में कहीं है, लिखा नहीं है कि खाना नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्र का ज्ञान उनको नहीं है और खाया तो भोजन उनको खाएगा। उन्होंने भोजन को क्या खाया, भोजन ही उनको खाएगा। भोगान भोक्ता वे मे भोक्ता। सुनिए, हमारे जो भी शास्त्रीय प्रकल्प हैं, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से उनका महत्व है। उदाहरण देता हूं, आप दिन में दही खाइए, दही जानते हैं ना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करेंगे तो रोग हो जाए। जिन रात्रि का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसे कर्म हैं जो रात में करेंगे तो प्रगति होगी और रात में कर लेंगे तो दुर्गति होगी। काल से प्रभावित अन्य जल इत्यादि होते हैं, हमारे आपका शरीर भी होता है। यह तो दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर भी स्थित है। सूतक पातक ये सब के प्रति केवल भावुकता नहीं है, बिल्कुल दार्शनिकता है। और जो भी विज्ञान दर्शन व्यवहार सामान्य साधने के पक्षधर हैं, सनातन धर्म में जो भी गतिविधि है, विधि है, निषेध है, उसके पीछे दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों का उपयोग है, तीनों को ध्यान में रखकर है। कोई भी ऊर्जा वैज्ञानिक सनातन धर्म किसी प्रकल्प को पूछता नहीं। अगर कोई पूछता समझना चाहिए, न उसको दर्शन का ज्ञान है, न विज्ञान का ज्ञान है, न व्यवहार में पटु ही है, अपनी तुच्छता का ही परिचय दे रहा है। अभावे तो बहुत अच्छा, उड़ीसा से संबद्ध भी है और मेरे परिचित भी है। तभी उन्होंने हमको, जब राजपथ नहीं थी, वो माता का चित्र भी समर्पित किया, जगन्नाथ जी के प्रति उनकी आस्था भी। आपको निमंत्रण दिया जाता है, किसी से जुड़ाव नहीं रखा जाता। छत्तीसगढ़ आदि के बहुत से भगवत भक्त भी समुद्र आरती में सम्मिलित होते हैं। नारायण मनरे कोह ओ क्रोध को पचारिबे प्रश्न किए देव उत्तर आपण प्रश्नर बेचालीस मंच प्रश्नकाल सोमवार शुक्रवार राति 8:30।